मुहावरे सस्सापात, ठीक है, इन्हां दे तुसी वाक भी लिखने हन, राइट, ते अर्थ याद करने हन, ठीक है। सो पहला है सक लाउणे। सक लाउणे मतलब अपना मतलब कढ़ना। अजकल दी दुनिया विच हर कोई सक लाउंदा है, कोई किसी नूं नहीं पुछदा, ठीक है, कि अपने मतलब करदा रहिंदा है। सप्पां नूं दुध पिआउणा, दुश्मन की मदद करना, ठीक है। कई बार आप दुश्मन की हैल्प करते हैं तो वह सानूं सुनने मिलता है कि आप सप्पां नूं दुध पिआउण दा काम कर रहे हैं। सांस उकड़ना, डरना या सहम जाना, ठीक है, अचानक चोर नूं सामने आता देख के मेरा सांस सुक गया। नैक्सट सांस सत मुक जाना, बेचैन हो जाना। जो आप कोई भी इदा की माड़ी खबर सुनते हाँ तो साढ़े जो सांस सत ने मतलब साढ़े सह नहीं रेंगे, आप बेचैन जे हो जाने। शर्म नाल पानी पानी होना, बहुत शर्मिंदा होना। सह विच सह आना, किसी मुसीबत तो निकल के सधारण अवस्था में आना। फॉर एग्जाम्पल थोड़े पेपर के दिन ने, पेपर के दिन कंटीन्यूअसली पढ़ी जा रहे हो, ठीक है, तुम्हें बिल्कुल भी वेल नहीं मिलता। जब पेपर खत्म हो गया तो फिर तुम थोड़ा जा रिलैक्स फील करते हो। साखी भरनी, गवाही देनी। नैक्सट सिर फेरना ना करनी, कि किसी के कोई चीज मंगन से पैसे मंगन से तुम उन्होंने सीधा ही सिर फेर देंगे हो। सिक्का जमना, प्रसिद्धि हासिल होना। जिस तरह महाराजा रणजीत सिंह का सिक्का जमया सी, है ना, और ओके मैम, थैंक यू मैम। नेक्स्ट है सिर चढ़ना, मतलब मच्छरना। जो बच्चों ओवर पैंपर्ड किया जाता है, ठीक है, तो वह बहुत ज्यादा सिर चढ़ जाते हैं। सिर होना, किसी भैड़े के मगर पै जाना, मतलब कोई व्यक्ति है किसी ने कोई गुनाह किया है तो आप हमेशा पिछे ही पे रहने हाँ कि वह कदों तक नहीं सुधरता, उन्होंने कहने हाँ सिर होना। सिर खुरकन की वेल ना होना, बहुत ज्यादा बिजी होना, बहुत रुझे होना। सिर गिट्टिया विच देना, शर्मिंदगी उठानी, मतलब जो तुम कोई भैड़ा काम करते हो तो आप हमेशा की करते हाँ अपना जो सिर है ना अपनी नीज ते इदा रख लें, मतलब की होंगे कि सानू बहुत ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है, आप वाला काम दोबारा कभी नहीं करना चाहेंगे। सिर ते पैना, मुसीबत पै जानी। सिर देना, जान कुर्बान करनी। सिर ना पैर होना, निरा झूठ या कोई भी किसी का भी कुछ ना पता होना। कई बार आप कहने हाँ कि तेरी गल का कोई सिर पैर नहीं है, मतलब कि कोई लॉजिक ही नहीं है गल का, ठीक है। एट्थ डी विरन बेटा, नाइन्थ का पीरियड है, एट्थ का पीरियड नहीं है। नेक्स्ट है सिर मड़ना। सिर मड़ना मतलब कोई काम इस तरह का बिगड़िया होया काम अपनी तो जान छुड़ा के असी काम अपने तो पिछे छुड़ा के दूसरे के सिर पा दें, उन्होंने कहने हाँ सिर मड़ना, ठीक है। सिर फिरना, पागल होना। सिर मत्थे उत्ते मनना, खुशी नाल मनना। सिर मुनना, ठगना। सिर लुकाउणा, जिवें किवें वक्त कढ़ना। कोई कोई मुश्किल के दिनों विच है, किसी ने कोई गुनाह किया है तो वह इधर उधर पछता फिर रहा है तो वह सिर लुकाउंदा फिर रहा है। सिरों नंगा होना, विधवा होना। सिर ते हाथ रखना, आसरा देना। सिरों पानी लंघ जाना, किसी गल का बहुत बिगड़ जाना। कई बार ये होंगे है कि हालात थोड़े काबू में नहीं रहते तो आप उस टाइम बोल दें हाँ कि हूं तो सिरों पानी निकल चुका है, मतलब गल बहुत ज्यादा अगे तक बढ़ चुकी है। सुतियां कला जगाना, जिहड़ा एक बार झगड़ा खत्म तो नहीं होया, मीन का टाइम वो झगड़ा जोड़ा है चलो इदा ही थोड़ा बहुत आप सॉर्ट आउट थोड़ा बहुत कर लिया तो वो थोड़ी देर लिए मठा पै गया, थोड़ी देर लिए वो की है रुक गई वो वाली गल, पर दोबारा वो वाली गल नू छेड़ लेना उन्हों आप कह रहे हाँ सुतियां गला चुकाना। सौले सुनाने, गालियां देना, अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज करना। सौड़ चाड़नी, चंगी तरह कुटना। सिरे चढ़ना, मुकम्मल होना। दो तरह के ने, एक सिरे चढ़ना एक सिरे चाड़ना, ठीक है। सिरे चढ़ना मतलब मुकम्मल होना, कोई भी काम मैं सिरे चाड़ के ही हटांगा। ते सिरे चाड़ना, खुल देनी, ठीक है,
कि आप कई बार कहने ना इन्हें तुम बहुत ज्यादा सिर चाड़िया होया है, इन्हें तुम बहुत ज्यादा फ्रीडम दी हुई है, इसलिए ये गलत कम्मा विच पै गया है। नेक्स्ट, सिर धड़ दी बाजी, जान की परवाह ना करना, सत्ती कपड़ी अग लगना, बहुत ज्यादा गुस्से विच होना, सत्रिया पत्रिया जाना, अकल मारी जानी, सज्जी बांह होना, पक्का साथी, सदके जाना, कुर्बान जाना, सप सुंघ जाना, चुप हो जाना। कई बारी कोई इदां दी गल सानू पता लग जांदी है जिहदे विच साडी ही चोरी या झूठ साडा पुछिया जावे, तां उहनूं आपां कह दिंदे हां सप सुंघ गया, हुण उह कुछ बोल ही नहीं रिहा अगों दी। सप दे सिरों कोडी लाणा, मुसीबत चल के सफलता प्राप्त करनी, क्योंकि देखो एक जिहड़ा सप हुंदा ना उहदे सिर नूं टच करना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि सानूं लगदा है, सानूं डर लगदा कि उह कितें सानूं डंग ही ना मार देवे, ठीक है, इसलिए कोई मुसीबत वाला काम करके सफलता प्राप्त करनी। सांस सतना रहना, थक जाना, साड़ सती होना, बुरे दिन आना, महंगाई के दिन कह लो या गरीबी के दिन कह लो, कोरोना के टाइम कह लो साड़ सती आ गई। स्यापे की जड़, लड़ाई का कारण। सिर सेहरा आना, प्रशंसा आनी, कोई थोड़ी तारीफ कर रहा, तुसी बहुत चंगा काम किया है। सिर सवा पानी, निरादर करना। सिर तली ते धरना, जान की परवाह ना करना। सिर चुकाना, तुसी अगे किसी के अगे सिर चुका रहे हो, दैट मीनस तुसी उहदे सारे हुक्म मान रहे हो, अधीनगी मान लैनी। सुक के टीला हो जाना, बहुत कमजोर होना। सोले गाना, सिफत करनी, इहदे विच ना दो ने, ठीक है, एक है सोले सुनाउणा, गालियां देना, एम्यूजिंग लैंग्वेज, एक है सोले गाना। सोले गाना मतलब किसी की प्रशंसा करी जानी, किसी की सिफत करी जानी, ठीक है, दोनों दे विच बहुत अंतर है। ठीक, सिरां दे मुल पैने, बहुत जुल्म होने। सुख दा सा आना, तसली मिलनी, या कुछ सा आना, या कोई थानू मुसीबत तो तुसी बाहर निकल रहे हो, ठीक है। सोने ते सुहागा, सुंदर नू होर सुंदर बनाउणा। सबर दा घुट भरना, हौसले दे नाल कोई दुख नू जर लैणा। सुरखाब दे पर लगणे, विशेषता मिलनी। कई बारी तुसी कोई बहुत चंगा काम कर लैंदे हो ते थानू स्पैशल ट्रीट किया जाता है, उहनूं आपां कहिंदे हां सुरखाब दे पर लगणा। सुके बाग हरे होना, मतलब किस्मत बदल जानी। सिरों फड़ना, गुनाह करदिया मौके ते काबू करना, ऑन द स्पॉट फड़े जाना। सिरों नंगे होना, ये ऑलरेडी आ चुका है, दो बारी विधवा होना। सिर ते पैर रख के दौड़ना, इहदा मतलब की है, सच्ची थोड़ी ना आपां सिर ते पैर रख लैंदे, दैट मीनस आपां फटाफट किसी चीज तो बच के निकल रहे हैं। सर करना, जित लेना, सिर खाना, बहुत बोलना, दुखी करना। सुपने पाना, किसी नूं जिम्मेदारी देनी, आपां ठीक है किसी नूं आपां इदां दी रिस्पोंसिबिलिटी देती है जिहड़ा उह बंदा जिहड़ा है उह कल्ला नहीं कर सकदा, उहनूं आपां कहिंदे सुपने पाना, ठीक है। सर जाना, लोड़ पूरी होना। हुण इहदे विच वी इह वी जिहड़े दो मुहावरे ने, इक है सर करना, ठीक है, सर करना मतलब जितना, एक है सर जाना कि मेरा इन्ने पैसों के विच सर गया, ठीक है। सिर देना, कुर्बानी देनी, संग पाड़ पाड़ के कहना, संग मतलब गला उच्ची उच्ची बोलना। सबर का प्याला भर जाना, होर सहन ना होना, मतलब तुसी बहुत ज्यादा उस गल नूं बर्दाश्त कर रहे हो पर हुण की है तुहाडे सबर का जिहड़ा प्याला है, सबर का बांध है, वह टुट गया है। समय की नब्ज पछानना, बदलते हालात नूं समझना कि सानू सिचुएशन के अकॉर्डिंगली, टाइम के अकॉर्डिंगली अपने आप नूं चेंज कर लेना चाहिए है। साह ना लैण देना, तंग करी रखना, सीधे मूँह गल ना करना। कई बार आप कहने ना वाले परसन में बड़ी आकड़ है, वो बड़ा पैसा है, या वो बहुत ज्यादा सोहना है, या वो बहुत ज्यादा पढ़िया लिखा है, किसी ना सीधे मुंह गल नहीं करता, ठीक है, मतलब वो अपनी ही आकड़ विच रहता है। लास्ट है छे, शेर दी मुछ फड़नी,
बहादरी वाला काम। अगेन जिस तरह सप्प दे सिरों कोडी लानी सी, शेर की मुछ कोई नहीं फड़ सकता है ना, फड़ांगे आपां ते आपां ही मरांगे। ठीक है, इसे तरह ही आपां कोई बहादरी वाला काम कर रहे हैं। ठीक है, सो ए बेटा 165 एक बार गो थ्रू हो जाओ। ठीक है, ते देख लो अगर कोई भी मीनिंग नहीं समझ लग रहा है तो मैनू दस दो। दिया मैम यहाँ पे दो मुहावरे हैं, सिर चढ़ना ते सिरे चढ़ना, दोनों एक का मीनिंग है मच्छरना ते दूजे दा मुकम्मल होना। मैम मुहावरे सेम है मतलब नहीं नहीं मीनिंग सिरे चढ़ना। ठीक है, वैसे सिरे चाड़ना आपा कहने काम मुकम्मल होना, इन्हां दोनों दे जिहड़े मीनिंग ने ना वो उल्ट पुल्ट ने। सो तुसी सही लिख लो, सिरे चढ़ना मतलब मच्छरना। ठीक है, अजकल दे बच्चे पैसे की खातर बहुत ज्यादा सिरे चढ़े हुए हैं, ते सिरे चाड़ना दो मुहावरे ने ना इन्हां नूं ध्यान नाल देख लियो, जिस तरह सोले सुनाउणा सोले गाउणा, सर करना सर जाणा, सिरे चढ़ना सिरे चाड़ना। ठीक है, एक एक मात्रा दे करके मीनिंग ही अलग हो जाता है। और किसी को कोई डाउट हुए तो पूछ लो। और मुहावरे थोड़ा मैं पहला भी दसिया, कभी भी आप क्रैमिंग नहीं करते। ठीक है, जिस तरह हम आप कहता कि सप्प के सिरों कौडी लाना सी, सप्प के सिरों कौडी लाना इन्ना औखा काम है, यदा मतलब की है कि असी कोई मुसीबत बहुत ज्यादा बहादुरी का काम करके फिर आप सफलता प्राप्त की है। ठीक है, उन्होंने ना को रिलेट करके देखा करो हमेशा मुहावरे, ऑटोमैटिकली अर्थ समझ लग जाएगा। दो तीन बारी मुहावरा पढ़ो फिर हौली 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 करके डीप मीनिंग्स पता लगते जाएंगे। ठीक है, सो मुहावरे क्योंकि अगर टेंथ में भी बहुत सारे आने ने तो हूँ भी देखो 65 ने, है ना। सो इन्हों आराम पढ़िया करो, अगर किसी के कोई भी प्रॉब्लम आती है तो पूछ लिया करो। सबनों क्लियर है एवरी वन, मुहावरे डन। सो तुम कोई दस अपनी फेयर कॉपी से कर सकते हो, पर आप हर एक मुहावरे जिन्हें भी थोड़े उड़े तो लैके हाहे तक हैं आप लिखने जरूर ने, सो दैट थानू पता लगे कि ये थोड़े सिलेबस विच हैं। ठीक है, क्लियर है सबनों। नेक्स्ट चलिए ये शिष्टाचार, महंगाई वाला लेख किसी अपनी फेयर कॉपी में दिया हुआ है क्योंकि वो थोड़े बुक विच नहीं सी, ओदे आपां पॉइंट डिस्कस कीते सी। भ्रिष्टाचार वाला लेख थोड़ी बुक विच है पेज नंबर 323 ते है। ठीक है, सो एदे तुसी अगर एक्स्ट्रा पॉइंट्स निकल रहे ने तुसी उन्हां नूं नोट डाउन कर लो। अपनी कॉपी ते सुनो तुसी किद्दां करना है, भ्रिष्टाचार लेख भूमिका फुल फ्लेज पूरी लिखनी है भूमिका। ठीक है, जिस तरह थोड़ा समस्या जिस तरह महंगाई की भूमिका लिखवाई है सी, उस तरह ही भ्रिष्टाचार की भूमिका आएगी। ठीक है, उस तो बाद जस्ट हैडिंग्स, हैडिंग के अंदर अगर कोई कोटेशन आती है या अगर तुम मैं कोई कोटेशन दसते हो तुम वो वाली हैडिंग के नाल कोटेशन लिख सकते हो, या कोई एक्स्ट्रा पॉइंट निकलते हैं जिस तरह महंगाई देखो तुम कितने सारे पॉइंट डिस्कस किए। ठीक है, और तुम जस्ट पॉइंट पॉइंट लिखने हैं, दैन लास्ट में सिट्टा सिट्टा पूरा लिखना है। क्लियर है? ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। पहला ये दसो कि भ्रिष्टाचार का मतलब की होंगे है तुहाडे अकॉर्डिंगली, भ्रिष्टाचार है कि आर्शप्रीत? भ्रिष्टाचार तो भाव है जायज ना जायज ढंग नाल पैसा कमाना, दूसरों की किरत कमाई ते पलना ते लोकां दा खून चूसना। भ्रिष्टाचार दो शब्दां दे मेल तो बनिया है, भ्रिष्ट ते आचार, भाव भ्रिष्ट हो चुका आचरण। ठीक है, गुड। रमनीत? Yes, भ्रिष्टाचार नूं अंग्रेजी विच करप्शन कहा जाता है, ते इस तो भाव है जायज नजायज ढंगा नाल पैसे कमाना, ए दो शब्दां दे मेल तो बने है, भ्रिष्ट अते आचार, भाव भ्रिष्ट हो चुका आचरण, ते है एक समाजिक
समस्या का रूप धार चुका है। ठीक है राइट। और भ्रिष्टाचार नु आपां इंग्लिश विच की कहने हां करप्शन। ठीक है सो सब तो पहला तुसी एक कोटेशन लिखो। ठीक है आपां भूमिका शुरू करन तो पहले एक कोटेशन लिख सकते हैं। हां लिखो भ्रिष्टाचार एक रुख है जिस दिया शाखावां दी लंबाई मापी नहीं जा सकती। भ्रिष्टाचार एक रुख है जिस दिया शाखावां दी लंबाई मापी नहीं जा सकती ते हर थां फैलियां होईयां ने। ठीक है हुण भ्रिष्टाचार की है हर एक सैक्टर विच हर एक फील्ड विच भ्रिष्टाचार फैलिया हुआ है। सो एक ऐसा का रूप है जिहड़ियां शाखावां ब्रांचेस ठीक है हर थां ते फैलिया हुआ ने जिन्हां नूं आपां माप नहीं सकते ना आपां कोशिश कर सकते हाँ इन्हां नूं वड्ढण दी। ठीक है पर यह वड भी नहीं हो रही सगों ये होर होर ज्यादा फैली जा रही ने। ठीक है सो स्टार्टिंग इत्थों तुसीं कर सकते हो इस कोटेशन तो। भूमिका लिखवाई है ना तुसीं वो लिख सकते हो कि साडे भारत देश विच बहुत सारिया समस्यावां हन। ठीक है जिवें कि महंगाई की प्रदूषण की समस्या बेरोजगारी की समस्या उस विचों दी भ्रिष्टाचार की समस्या एक मुख्य समस्या है। ठीक है भ्रिष्टाचार के कारण साडा देश जिहड़ा है वह तरक्की नहीं कर पा रहा तरक्की के रस्ते ते नहीं जा रहा। हाँ ठीक है विकसित देश नहीं बन पा रहा विकासशील देशों की यह एक डिवेलपिंग कंट्री बन के रह गया डिवेल्प्ड कंट्री हले भी नहीं बनया। ठीक है ना विकासशील देशों की गिनती विच हले आ रहा है विकसित देश नहीं बन गया। ठीक है सो भ्रिष्टाचार को सानू खत्म करने के लिए लगातार यतन करने चाहिए हैं। तुसी पांच छे लाइना की भूमिका लिख सकते हो। ठीक है देन यस अश्मित मैम यही कोटेशन मैम हर एक लेख में यूज कर सकते हैं वर्ड चेंज करके भ्रिष्टाचार की जगह लिख सकते हो भ्रिष्टाचार की जगह तुसी महंगाई लिख सकते हो है ना गुड लिख सकते हो। एक मैं और तुम्हानू कोटेशन लिखाऊंगी वो वाले कोटेशन आपां हर एक च लिख सकते हां। ठीक है वेरी गुड अश्मित यस मैम थैंक यू। नेक्स्ट है भ्रिष्टाचार का अर्थ भूमिका भ्रिष्टाचार का अर्थ दो शब्दों को बने एक भ्रष्ट प्लस आचार भ्रष्ट मतलब माड़ा। ठीक है आचार मतलब की है आचरण सो ऐसा का आचरण जो कि भ्रष्ट हो चुका है आचरण की होता साडा करैक्टर। ठीक है आचरण मीन्स करैक्टर ऐदा ना साडा करैक्टर हो चुका है जो कि माड़ा हो चुका है भ्रष्ट हो चुका है। सो भ्रिष्टाचार दो शब्दों को बनया है भ्रष्ट प्लस आचार मतलब कि माड़ा आचरण। ठीक है ते इहदा मतलब की है जायज नजायज ढंगां दे नाल पैसा कमाना गलत तरीके दे नाल पैसा कमाना। हुण करप्शन किदां वधदी है साडे देश विच करप्शन किदां वधदी है कोई ना कोई किसी ने अपना कोई काम करवाना हुंदा है ये आपां महंगाई दे विच भी डिस्कस कीता सी। ठीक है किसी ने कोई ना कोई काम करवाना होंगे कोई सरकारी काम ही ले लो सरकारी काम तुहानू भी पता है ना कि पहली बारी च नहीं होंगे राइट। सो कई बार बंदा अपना काम करवाने के लिए पैसे दे देता है अगले नूं अपना ईजी ईजीनैस चुनने के लिए कि सानू बार बार चक्कर ना कट्टने पैण कोर्ट कचहरियां दे चलो साडा काम पैसे दे के हो रहा है तो हो रहा पर उहदे विच आपां भी तो जिम्मेदार हाँ ना वी पीपल आर रिस्पोंसिबल फॉर दैट ना तो उहदे नाल की हुंदा है और अगले ने तो पैसे ले ले
ठीक है, उन्होंने तो पैसे चाहिए थे, उन्हें गलत काम के नाल ही पैसे लेते ना, उन्हें गलत तरीके नाल पैसे लेते ना, दो नंबर दे विच उन्हें काम करवा के देता, मान लो आपा कोई कोई खास डॉक्यूमेंट कढ़वाना है तां वी आपा पैसे देते, ठीक है, काफी सारे एजेंट हुंदे ने इदां दे जिहड़े पैसे दे के काम करदे ने, सो इहदा मतलब की है, गलत तरीके दे नाल पैसा कमाना, जबकि असी लोग खुद ही जिम्मेदार हाँ, जे असी यह चीज ना करिए भ्रिष्टाचार कभी भी साडे देश विच फैलेगा नहीं, ठीक है। सो भ्रिष्टाचार का अर्थ लिख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट है भ्रिष्टाचार एक लानत, भ्रिष्टाचार साडे देश लई लानत ही तां है, किस तरह है लानत, क्योंकि ये की करता है सारियां जिन्नियां भी बुराइयां ना वो सब बुराइयां तो यह प्रमुख है, भ्रिष्टाचार हुंदा है तां ही बेरोजगारी वधदी है, भ्रिष्टाचार होएगा तां ही महंगाई वधदी है, भ्रिष्टाचार होएगा तां ही जिहड़ियां सरकारां ने वो गलत काम वल जांदियां ने, ठीक है। भ्रिष्टाचार वधदा है, लोकां दा आचरण लोकां दा करैक्टर जिहड़ा है वो ज्यादा डिगदा रहिंदा है, सो भ्रिष्टाचार एक लानत है, ठीक है। समाज विच सारियां जिन्नियां भी बुराइयां फैल रहियां ने उनका यह मुख कारण यही है, ठीक है, ये सब बुराइयां दी जड़ है, ते अज सदाचार दी थां ते भ्रिष्टाचार ने लई है। सदाचार मतलब कि चंगे आचरण, कोई ऐदां दे बहुत ही घट परसन ने जिहड़े कोई चंगा काम कर रहे ने, सही तरीके दे नाल काम करते ने, ठीक है। कई बार होंगे ना आप शॉर्टकट अपना के की करते हाँ जिंदगी विच अगे निकलना चाहते हाँ, पर जिहड़ा बंदा हमेशा जिंदगी विच शॉर्टकट अपनांदा आ वह कभी भी सक्सैसफुल नहीं हुंदा। जिहड़े व्यक्ति ने एक लंबा रस्ता कट्टिया हुंदा आ अपनी मंजिल नूं पाउण दे लई, ठीक है, वह व्यक्ति हमेशा सफल होएगा, क्योंकि उस व्यक्ति दे राह दे विच जिन्नियां भी मुसीबतां आउंदियां ने उहनां नूं फेस करन दे लई उहदे कोल घट्टो घट्ट हिम्मत होएगी। मान लो कि कोई बच्चा कई बार होंदा ना कि आपां कोई क्लास स्किप कर दित्ती है ना, मान लो आपां छेवीं सत्तवीं स्किप कर दित्ती आपां सीधी अठवीं च आ गए, पर जे छेवीं सत्तवीं दा सिलेबस आपां आंदा ही नहीं होएगा तो तुसीं अठवीं किदां कर लोगे, कर ही नहीं पाओगे। हुण तुहाडे विच्चों दी काफ़ी बच्चे इदां दे ने जिहड़ियां क्लासेस ही नहीं लगा रहे, ईवन जिहड़े मेन सबजैक्ट है साइंस है मैथ्स है किन्नियां किन्नियां एबसेंटिस जा रही ने, तुसीं डेली देखदे हो है ना, ते उह देखो हुण जो टीचर ने समझाया तुहानू बिल्कुल नहीं समझ लगना है ना, हर एक क्लास विच पॉइंट डिस्कस होंगे ने, तुसीं किदां एक वारी चीज पूरा चैप्टर पढ़ के अगे निकल सकते हो, पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो भ्रिष्टाचार भी इदां ही है, एक लानत है, ते हथी किरत कितना हर कोई व्यक्ति करोड़पति बनना चाहता है, शॉर्टकट रस्ता अपनाना चाहता है, जबकि वह बंदे को गलत कामों वल लै जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है पैसा कमाउण दे काम, चाहे वह गैर सरकारी है हर एक व्यक्ति पैसा कमाता है नैचुरली बेटा, हर किसी को अपनी घट्टो घट जो बेसिक नीड्स होंदिया ने वो तो पूरिया करनी ही होंगे ने ना, कोई भी होंगे है उन्होंने लगता है कि साढ़े को पैसा होना जरूरी है, क्योंकि अजकल पैसे का बोलबाला है, तुहाड़े कोल पैसा होएगा तो ही तुहानू सारे सलाम करनगे, अदरवाइज कोई नहीं पुछेगा, ठीक है। सो पैसा कमाते हैं जिथे भी गैर सरकारी या सरकारी जिन्हें भी सैक्टर्स ने उत्थे हर कोई व्यक्ति रिश्वत लैंदा है, ठीक है। सो पैसा कमाउण दा ढंग जिहड़ा है वह गलत वे दे विच जा रहा है, ठीक है, तो इहदे नाल ही लोकी भ्रिष्टाचार बन रहे ने, चपड़ासी तो लैके मंत्रियों तक रिश्वत का बोलबाला है, नित नवे कपले हो रहे ने, हेरा फेरिया हो रही ने, वड्डे वड्डे अफसर मंत्रियों दी जेबां भरन लई गरीबां दा खून चूसते ने, ठीक है, उन्होंने की हुंदा है साडी खुद की पोस्ट बची रहे, आपां चापलूसी करी जानी आ, साडे तो जिहड़ा वड्डा अफसर है वह हमेशा सानू कुछ ना कुछ दे ही जाए है ना, या साडी पोस्ट होर उच्ची कर दे, तो असं की करते हैं अपने तो जिहड़ा छोटा हुंदा व्यक्ति जिहड़ा छोटी पोस्ट हुंदा है उहदे तो ज़्यादा काम लैंदे हां, क्यों, क्योंकि साडी वाहवा ही होवे है ना अफसर अगे। सो इस तरह गलत तरीके दे नाल पैसा कमाया जाता है, तो
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਕੌਣ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਠੀਕ ਹੈ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੀਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸੋ ਪੈਸਾ ਗਲਤ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈਡਿੰਗ ਹੈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ ਠੀਕ ਹੈ भ्रिष्टाचार का पिछोकड़ सी कि स्वतंत्रता प्राप्ति तो बाद पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू के जो ये टाइम सीगा ते उदो की सीगा हर एक खेत्र हर एक राजकार भ्रिष्टाचार सी ठीक है फिर उस तो बाद अगोग जिन्हें भी आते गए प्रधानमंत्री आते गए उन्होंने इस चीज से रोक नहीं लगाई जबकि उन्होंने कोई नीति नहीं अपनाई कि इस चीज को रोकया भी जा सकता है ठीक है बनाई भी होगी पर कई अंदरों अंदरी ऐदा के व्यक्ति होंगे ने जोड़े इस चीज को रोकने के लिए कोई यत्न ही नहीं करते सो जो भारत भ्रिष्टाचार का पिछोकड़ है वह बहुत ही माड़ा है किसी ने भी कोई सख्त कानून बनाया ही नहीं हले तक कि भ्रिष्टाचार को रोकया भी जा सके ठीक है हले भी बहुत सारे खेत्र इस तरह के ने जिथे भ्रिष्टाचार बहुत ज्यादा फैलिया होया है ठीक है एदे विच तुसी एक कोटेशन लिख सकते हो ठीक है एदे विच लिखो कोटेशन देश दा चांदे हो देश दा चाहते हो जे विकास देश का चाहते हो जे विकास भ्रिष्टाचारी नेताओं ना देना हो पास भ्रिष्टाचारी नेताओं ना आन देवो पास ठीक है भ्रिष्टाचारी के कामों को ना और देखो पास राइट सो फिर तुसी ए वाली कोटेशन लिख सकते हो पिछोकड़ के ठीक है एक जड़ी कॉमन है जड़ी मैं थोड़ा पहला दसिया सी कि भ्रिष्टाचार हटाओ या भ्रिष्टाचार हटाओ देश बचाओ ठीक है वो चाहे तुसी एंड ते लेके आ सकते हो राइट सो वो वाले पॉइंट आपां नेक्स्ट पीरियड ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਦੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਾਪੀ ਉੱਤੇ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹਨ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਚਣੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਰਾਈਟ ਡਨ ਇਹ ਵਾਲੀ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸਭ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਵਿਕਾਸ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਆਉਣ ਦੀ ਵਪਾਸ ਓਕੇ ਲਿਖ ਲਈ ਠੀਕ ਹੈ ਐਨੇ ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰੋ ਦੋ ਕੋਟੇਸ਼ਨਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਠੀਕ ਹੈ